हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ कनिका और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके घर और किचन से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ वीकेंड क्लीनिंग टिप्स, जिसको फॉलो करके मैं कभी कभी अपनी एक जो रूम है उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, या फिर कुछ कुछ डीप क्लीनिंग करना नहीं होता है तो उस रूम की सफाई ही कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे आज हमारे जो बेडरूम है और बेटे के रूम की बेडशीट बदलना है, जैसे कि मैं दो दिन या फिर हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में दो बार मैं अपनी बेडशीट्स को चेंज करती हूँ। तो हमारे रूम की जो बेडशीट है या फिर जो पिलो कवर्स है उसको भी मैंने अभी हटा ली है, और उससे पहले कि मैं यहाँ पे वॉश किए हुए एक बेडशीट यहाँ पे डालूँ, उससे पहले मैं अपने करूँगी अपनी जो बेड की सफाई एक बार, क्योंकि जो भी बेड की वुडन पार्ट है वहाँ पे डस्ट आ जाती है तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो एक बार यहाँ से अगर हम इसको पोंछ देते हैं तो ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लेता, तो इसलिए मैं हर रोज़ एक बार यहाँ से डस्टिंग करती ही हूँ अपनी जो बेड की ऊपर की साइड, या फिर जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिखाई देते हैं वहाँ पर ही मैं डस्टिंग कर लेती हूँ अपनी बेड की अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ अपनी जो बेडशीट है, इसको यहाँ से अच्छे से मैं टकिंग कर रही हूँ, ताकि जो मेरे घर पे बच्चे हैं तो वो लोग अगर यहाँ पे दौड़ेंगे भागेंगे कूदेंगे भी तो भी अच्छे से ये बेडशीट रहने वाली है। और इस तरह से अगर आप बेडशीट को चारों तरफ से इस तरह से टकिंग कर लेंगे तो बेड जो है बहुत टाइम तक सही रहने वाले हैं। बच्चे अगर यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे भी तो भी बहुत देर तक ये बेड आपके जो है अच्छे रहेंगे, और बार बार इसको आपको सही करना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि आप बहुत लोग जानते हैं मेरे बेडरूम में मैं अपना जो है मिरर नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे जो सामान है जैसे कि डे क्रीम नाइट क्रीम ये सब यहाँ पे मैं एक ट्रे बना के यहाँ पे रखी हुई हूँ जो कि मुझे चाहिए होता है। तो इन सभी को भी बहुत डस्टिंग करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, हफ्ते में एक बार मुझे तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पास में ही बालकनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा आती है, तो मैं बालकनी के जो दरवाजे हैं इसको हमेशा ओपन ही रखती हूँ। और जो ये सारे सामान हैं जो कि आप देख रहे हैं इसको मैं हफ्ते में दो बार टाइम निकाल के इसको हमेशा पोंछती रहती हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे डस्ट ही लग जाती है जो कि दो मिनट में साफ हो जाती है बहुत अच्छे से, जो कि मैं हफ्ते में दो बार करती हूँ। और इस रूम से जो भी पिलो कवर और बेडशीट वगैरह निकले हैं इसको भी मैं उठा के जो वॉशिंग मशीन है वहाँ पे डाल दूँगी। अभी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट नहीं करूँगी, और एक बेड से मुझे बेडशीट निकलना है उसको भी एक साथ दे के मैं एक साथ आज ही इसको वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बेडरूम में ही ये एक ड्रॉयर मैंने रखा हुआ है, जहाँ पे मैं अपने छोटे बेटे की जो भी कपड़े हैं जो वो डेली में यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, तो जहाँ पर जो भी रखूँ रखती जा रही थी। और देखिए कैसे एकदम मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि उसका हाफ़ पैंट वगैरह हाफ टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, और सब कुछ एक साथ मिक्स होके रखा हुआ है। कुछ विंटर्स के कपड़े भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको भी मुझे अभी निकालना है। आई नो मुझे देर हो गई है, लेकिन मुझे अभी इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है आज। अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं सारे जो ड्रॉयर है उनमें से कपड़े जो है उसको निकाल रही हूँ, और यहाँ से मैं अभी इस पर रखूँगी जो कि वो अभी जो समर्स में वो कपड़े है उसको वो यूज़ करने वाला है, और जो भी वो अभी नहीं पहन पाएगा आगे से जो उसका छोटा हो गया है उसको मैं अभी डिक्लटर कर लूँगी, और इसलिए मैं सभी ड्रॉयर्स को अभी खाली कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो कपड़े हैं जो वो पहनने वाला है समर्स में वो यहाँ पे रख दी है, और उस साइड में जो रखा है वो छोटा हो गया है या फिर विंटर्स में पहनने जाने वाले हैं तो उसको मैंने उस तरफ रख दी है, और ड्रॉयर सभी को मैंने खाली कर ली है। तो अभी मैं जो भी उसके फुल पैंट है उसको एक जगह पर रखूँगी, हाफ पैंट को एक जगह पर रखूँगी, हाफ टी शर्ट को एक जगह पर रखूँगी, और फुल टी शर्ट को एक जगह पर रख के मैं इसको अच्छे से
ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ ताकि बच्चे का जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और मेरा जो टाइम है वो भी सेव हो जाए, उसके कपड़े धुलने में ज़्यादा टाइम ना निकल जाए। तो चलिए इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो वाइट कलर का जो एक ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे मैं उसका इनर वेयर्स को रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से कपड़े जो है सभी ऑर्गेनाइज हो गया है। तो अभी मुझे जो भी चाहिए होगा मैं इससे अच्छे से निकाल लूँगी और सब कुछ एकदम अच्छे से परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गई है। और मुझे अभी रखना है सिर्फ डिक्लटर किए हुए जो सामान है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना है, अच्छे से रख लेना है कहीं पर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ फोल्ड किया हुआ कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे पर्स रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, इसको भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे क्योंकि हर घर में ऐसा होता ही है। कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरे काम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो कुछ काम हमारा रह जाता है, तो हम उस टाइम में हम उस काम को नहीं कर सकते, तो अभी कर लेते हैं। तो चलिए इस रूम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और इसके लिए मैं अभी जो जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है इसको अच्छे से मैं जगह पे रखूँगी और इस बेड को भी अच्छे से लगा लेती हूँ पहले। ये मेरा घर है, इसको मुझे ही सुंदर और ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये अगर सोच हम रखेंगे तो घर अपने आप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगने लगेगा। मेरे घर पे मेड नहीं है और दो बच्चे भी हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो कुछ कुछ काम जो ऐसे होते हैं कि कभी कभी रुक जाती है, तो कोई बात नहीं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको फटाक से कर लेती हूँ। तो घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको ज़्यादा किसी दूसरे मेड के ऊपर या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको मौका मिले तब आप अपने घर को सुंदर से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हर दिन एक एक रूम को भी अच्छे से आप अगर ऑर्गेनाइज करने लगे तो आपका घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। और हमारे घर पे जितने भी सारे कैबिनेट्स है, ड्रॉयर्स है, उसको तो हम एक दिन में कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और वहाँ का जो भी सामान है कभी कभी हमें उसको निकालना पड़ता है और अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज कर लेना पड़ता है। तो आज मैं कर रही हूँ अपने जो बेटे की सभी स्टोरी बुक्स वगैरह जो भी है यहाँ पे इस वाले ड्रॉयर में रखती हूँ, तो इसको आज निकाल के मैं अच्छे से इसको ठीक से साफ भी करूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करूँगी। क्योंकि जो भी हम ख़रीदते हैं वो चाहे कम पैसे की ही हो लेकिन बहुत प्यार से हम ख़रीदते हैं और उसको हमें अच्छे से रखना ही चाहिए। इस तरह से एक एक करके करके खरीदते खरीदते बच्चों के बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स एक साथ हो जाते हैं और उन सभी को तो वो लोग पढ़ चुके होते हैं और कभी कभी निकाल के फिर से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको अगर हम रेगुलरली कभी कभी एक टाइम निकाल के अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज करके रखने लगे, साफ करके रखने लगे, तो वो बहुत सालों तक हमारे साथ रहेगा, अच्छे रहेंगे और अच्छे हालत में भी रहेंगे। तो इसको भी अच्छे से कभी कभी हमें रेगुलरली अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो महीने में दो बार या फिर तीन बार ही सही, लेकिन मैं एक टाइम निकाल के इन बुक्स को रेगुलरली अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ और ड्रॉयर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि जो बुक्स है वो ख़राब ना हो। बहुत प्यार से हम लोग ख़रीदते हैं बच्चों के लिए, तो ये सब जो है वो अच्छे से कंडीशन में रहे, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा क्लीन करके रखना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो बहुत सारे लेके आती हूँ आपके लिए,
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए घंटी को भी एक बार ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।